द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल जारी है। कौन किसके संपर्क में है, यह खबरें आप खूब सुन रहे हैं। अक्सर सुनने में तो यही मिलता है कि कांग्रेस के विधायक या फिर शरद पवार के विधायक बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन अब नतीजे उल्टे होने लगे हैं। जो खबरें हैं उसके तेवर भी बदलने लगे हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी शिंदे और अजित पवार के 40 विधायक अभी कांग्रेस के संपर्क में है और कांग्रेस इस पोजीशन में है लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद। देश भर में, खासकर महाराष्ट्र की भी बात कर ले, वहां भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि ऐसी खबरों पर यकीन किया जा सके। कांग्रेस ने अब बीजेपी को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देने का मन बना लिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने अजित पवार को तोड़ा शरद पवार की पार्टी से, एकनाथ शिंदे को तोड़ा उद्धव ठाकरे की पार्टी से, अब जब महाराष्ट्र में फिर से विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसी साल के अक्टूबर नवंबर के बीच में महाराष्ट्र के भी चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही विधायकों का मन डोलने लगा है। विधायक अब संपर्क करने लगे हैं, कुछ तो घर वापसी करना चाहते हैं और कुछ कांग्रेस के संपर्क में जाना चाहते हैं। इसको लेकर विजय वेडेट्टीवार, इन्होंने जो जारी किया बयान, वो चूंकि मराठी में है, बस आप स्क्रीनशॉट देखिए। ल्यूटियंस मीडिया ने लिखा है कि शिंदे, अजित पवार और बीजेपी के 40 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं, विजय वेडेट्टीवार। अब चूंकि ये INS का बयान है तो हम आपको पूरा सुना नहीं सकते, कॉपीराइट का मसला बनता है, लेकिन हाँ, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस पर इनके स्टेटमेंट को हूबहू प्रकाशित किया गया है, तो हम उस रिपोर्ट पर आएंगे कि उन्होंने क्या क्या दावे किए हैं। और इस वक्त स्थिति यह है कि ये लोग दल बदलने के लिए, पाला बदलने के लिए बेताब हैं। अजित पवार टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि रोहित पवार ने यह दावा कर दिया, उनके भतीजे ने, शरद पवार के पोते ने, कि हाँ यह बात सही है, 18-19 तो अजित पवार के साथ जो विधायक हैं वो खुद पाला बदलना चाहते हैं, शरद पवार की हरी झंडी का इंतजार है, अंतिम फैसला उनका ही होगा। यह रिपोर्ट हमने आपको पहले भी दिखाई है, इसलिए हमने कहा कि बीते एक सप्ताह से महाराष्ट्र के सियासत में पाला बदलने वाले अपनी गोटी सेट कर रहे हैं, मौके की तलाश में है कि पलटी मार दें, क्योंकि 3-4 महीने बाद फिर से चुनाव में उन्हें उतरना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा की जनता ने और क्या मूड बनाया है बीजेपी को गच्चा देने का। बीजेपी को एकदम से कमजोर कर दिया है वहां पर महाराष्ट्र की जनता ने, और अब ऐसे विधायकों को सजा भी मिल सकती है, इसकी भी संभावना है। अगर वो अपने बीजेपी के साथ ही गठबंधन में रहे, अजित पवार के साथ ही रहे या एकनाथ शिंदे के साथ ही रहे, तो जनता उन्हें भारी नुकसान दे सकती है। ऐसे में सेफ खेलने के लिए ये लोग घर वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और फिर इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर महाराष्ट्र में आ रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, चलिए वो देखते हैं, और यह रिपोर्ट फिर सारी बातें एकदम से क्लियर कर देंगे कि वाकई में महाराष्ट्र के सियासत में इस वक्त पाला बदलने का दौर चल पड़ा है। कहा जा रहा है यहां हेडलाइन में, अजित शिंदे के 40 विधायक कांग्रेस के संपर्क में विपक्ष। यह रिपोर्ट सुधीर सूर्यवंशी ने प्रकाशित की है। खबर में क्या कहा गया है जरा देखिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वेडेट्टीवार ने दावा किया है कि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और डीसीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP के 40 विधायक घर वापसी के लिए उत्सुक हैं, और फिर यह सिलसिला विधानसभा चुनाव तक भी जारी रह सकता है। वेडेट्टीवार ने एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिया है कि इससे महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल मची है, यही 40 विधायक आगे भी गेम बदलेंगे क्या? जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उन्हें आशीर्वाद देगी जहां वो इस वक्त मौजूद है, जहां जिस लाइन पे वो खड़े हैं, क्या घर वापसी के बाद जनता इन पर भरोसा करेगी? वैसे अमूमन सियासत में देखा जाता रहा है कि जनता जिनसे नाराज होती है उन्हें तो आप कहीं भी जाओ, किसी भी दल में जाओ,
आपकी हवा निकाल देती है। जैसे पंजाब में एक कांग्रेसी सांसद ने लास्ट टाइम पर बीजेपी को ज्वाइन किया, चुनाव हार गए, हालांकि पंजाब से रिप्रेजेंटेशन देना था तो बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया है। खैर, वेडेटी वार ने क्या कहा जा, देखिए अपने स्क्रीन पर। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का कहना है, हमें पूरा भरोसा है कि महाविकास अघाड़ी कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में वापसी करेगा। लोकसभा चुनाव के रुझान से पता चलता है कि एमवीए 150 राज्य विधानसभा क्षेत्रों में आगे था, जबकि महायुति ने उनमें से 130 में बढ़त हासिल की। राज्य में 288 सदस्य विधानसभा हैं। महायुति मतलब आप समझ रहे हैं, यह एनडीए के गठबंधन का नाम है, और एमवीए महाविकास अघाड़ी यह जो नाम है वो शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पार्टियों को मिलाकर बना हुआ गठबंधन है। और ऐसे में इस वक्त द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो या कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं वहां पर उनका बयान हो, वो यह साफ कर देता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में बैकफुट पर है। जिस मेहनत के साथ इन लोगों ने जो आरोप लगाया कि हजारों करोड़ फूंक दिए हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर ताकि शिंदे के विधायकों को तोड़ सके या अजीत पवार गुट को अपने पाले में मिला सकें, बदले में इन लोगों को जांच एजेंसियों के शिकंजे से बाहर कर सकें, ये सब खेल करने के बाद अगर फिर से ये लोग वापस भागते हैं तो बीजेपी के लिए यह फजीहत से कम नहीं है, बहुत ही बेचैनी वाली स्थिति है। क्या कहा जा रहा है, देखिए उन्होंने कहा, वेडेट्टीवार ने कहा कि शिवसेना और एनसीपी के अन्य धड़ों के 40 विधायकों को एहसास हो गया है कि एमवीए सत्ता में आ रही है। वेडेट्टीवार ने कहा यही कारण है कि वे अपने मूल पार्टी नेताओं को घर वापसी के अनुरोध के साथ बुला रहे हैं। अब इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर लोग संपर्क में हैं। जयंत पाटिल ने भी तो कहा ही था कि रोहित पवार ने जो बातें कही थी 18-19, तो सिर्फ अजीत पवार के जो 7 विधायक हैं वो पाला बदलने के लिए तैयार हैं, शरद पवार मुहर लगा दें तो ये लोग आ जाएं। अब देखिए सूत्रों के से क्या जानकारी है, सूत्र भी इस मामले में काम कर रहे हैं और मीडिया सूत्रों पर खूब भरोसा करती है। कहा जा रहा है कि सूत्रों ने बताया कि ऐसे विधायकों ने लोकसभा चुनाव में मूल पार्टियों की मदद की। अजीत पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हम केंद्रीय एजेंसियों से सुरक्षा के लिए भाजपा के साथ हैं। भाजपा अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही जितनी 2014 और 2019 में थी। अगर भाजपा गठबंधन के सहयोगी मुख्य रूप से जेडीयू और टीडीपी अलग रास्ता अपनाते हैं तो मोदी सरकार गिर सकती है। समझ गए, यहाँ तो कबूलनामा है भैया कि हम बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियों से हमें संरक्षण देती है, हमें बचाती है। खुले तौर पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचारियों को देखना नहीं चाहते, लेकिन कैसे देखेंगे, जैसे ही उन्हें अपने पास बुलाते हैं कहते हैं आओ मेरे वॉशिंग मशीन में डुबकी तो लगाओ, हम फिर पाक साफ कर देंगे, क्लियर कर देंगे, दाग नहीं रहेगा। अब विपक्ष में जाओगे तो इतने दाग लगेंगे कि भ्रष्टाचार की पूरी जो गंगा है वो आप ही के घर बह जाएगी। यह एकदम से साफ है कि कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। अब देखिए अजीत पवार गुट के एक नेता कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता थोड़े ना है, हम जब चाहें दल बदल लेंगे, लेकिन उन्हें भी जांच एजेंसियों का ही डर रहता होगा। कहा गया है कि अजीत पवार गुट के नेता ने कहा, सत्तारूढ़ महायुति एक अस्थायी व्यवस्था है, भाजपा के साथ हमारा कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, हमारे बीच जो है वह कामकाजी रिश्ता है। उन्होंने कहा हमारी विचारधाराएं मेल नहीं खाती, भाजपा के साथ बने रहने से हमने अपना धर्मनिरपेक्ष दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक वोट बैंक खो दिया है, हम उसे फिर से हासिल करना चाहते हैं। मतलब अब ये लोग घर वापसी कर अपनी डूबती नैया को बचाना चाहते हैं। तो देखिए अब ये 40 विधायक क्या बीच में ही सरकार खत्म करेंगे और 6 महीने तक क्या वहाँ गवर्नर या राष्ट्रपति पूरी तरीके से हावी रहेंगे, सब देखना होगा, इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र ने बहुत कुछ देखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।